शाहद खाकान अब्बासी की अपनी पार्टी से बगावत, पीटीआई में शमूलियत आखिर क्या वजह बनी कि साबिक वजीर आजम बरक उठे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहद खाकान अब्बासी ने पीडीएम हुकूमत पर तनकीद के रश्तर बरसाते हुए हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। आपने एक इंटरव्यू में शाहद खाकान अब्बासी ने कहा है कि फौज भी बैठे, जज भी बैठे, सारी जिंदगी बस एक दूसरे को चोर कहा लेकिन मिलकर बैठने का नहीं कहा। हमारा वजीर आजम 24 घंटे भी काम करे तो मुल्क बेहतर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात को इस नहज पर पहुँचाने में हम सब जिम्मेदार हैं। सियासी जमातों के दरमियान मसाइल पर बातचीत होनी चाहिए। मुस्लिम लीग ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, खराबियों के तसलसल की वजह से आज मुल्क इन हालात पर पहुंचा है। शाहद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल का हल आइन में मौजूद है। देखना यह है कि क्या आइन नाकाम है या हमने खुद उसे नाकाम किया। हमें सियासी मसाइल का रुख तब्दील करके अवामी मसाइल तक लेकर आना है। इलेक्शन जब होंगे हम जिस जमात में हैं वहीं से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर जिम्मेदारी लगानी है तो थर्ड कमीशन बनाए। नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफियों का अजाला होना चाहिए। हमने गैर जमाती बुनियाद पर बात की है। बुनियादी खराबियों के नतज 8 माह में दूर नहीं कर। उन्होंने कहा कि जब सियासत दुश्मनी में बदल जाए तो हालात तबाही की तरफ ही जाते हैं। मेरी पार्टी की हुकूमत हो सकती है लेकिन मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं। चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और वजीर आजम सबको एक जगह जमा करें और मसाइल का हल निकालें। अफसोस की बात है कि हम इलेक्शन करवा कर भी मामलात को हल नहीं कर सकते। मेरे नज़दीक तमाम मसाइल का हल सिर्फ सियासतदानों के इत्तेफाक में है। वजीर आजम को तमाम जमातों को एक जगह जमा करना चाहिए। मुल्की मामलात में लापरवाही इंतहाई तश्वीशनाक है। सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। याद रहे कि शाहद खाकान आबासी की जानिब से मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जमा जगह करने की तजवीज़ पेश की गई। तहम अपनी पार्टी से बगावत और पीटीआई में शमूलियत के हवाले से अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है।